चलिए आज हम लाए हैं गोभी आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी एकदम अलग तरीके से। तो चलिए हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे ले लिया एक गोभी का फूल, इसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। एक आलू ले लिया, उसे भी हमने काट लिया है। एक टमाटर, एक प्याज और दो हरी मिर्चें ले ली हैं। साथ में 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। यहाँ पर हम ले लेंगे किचन किंग मसाला, दवे का दीवी का गर्म मसाला। गर्म मसाला आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हमने यहाँ पर पतंजलि का सब्जी मसाला, साथ ही में 1 कटोरी मलाई। मिक्सी जार में 2 हरी मिर्चें, 1 टमाटर और 1 प्याज डाल देंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। इस तरह से प्यूरी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब हम गोभी और आलू को फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं। तो देखते हैं, अच्छे से गर्म हो गया है और जब गोभी और आलू अच्छे से पक जाए हो जाए तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच पुदीना पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच सब्जी मसाला पतंजलि सब्जी मसाला, 1/2 गरम मसाला, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 कटोरी मलाई। इसे मिक्स कर देना है। इसी में हम डाल देंगे अदरक लहसुन पेस्ट और फिर से मिक्स कर देंगे। इसे हम ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। गैस पे कढ़ाई रख देंगे, उसमें तेल डाल देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं, 1 बड़ी इलायची, जावित्री। इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी, अच्छे से भून लेंगे। इसमें मसाले डालेंगे तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, मसाला कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये मसाला अच्छे से भून गया है। इसमें जो हमने गोभी मैरिनेट करके रखी थी वो हम डाल देंगे। गोभी डाल देने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में, और गोभी को अच्छे से भूनना है क्योंकि गोभी के अंदर जो हमने मसाला डाला वो अभी पका हुआ नहीं है। तो हमें गोभी का जो मसाला उसको अच्छे से भूनना पड़ेगा। तो आपको 5 से 6 मिनट इस मसाले को अच्छे से भून लेना है ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएँ और अच्छे से फ्लेवर छोड़े। तो ये देखिए, सब्जी को अच्छे से भून लिया है। इसका तेज़पत्ता हम निकाल देते हैं इसमें से और इसे फिर से अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको भून सकते हैं। आप चाहे तो इसे ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। सब्जी बनके एकदम तैयार है। हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहे तो इसे रसे वाली सब्जी बना सकते हैं या बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी की सब्जी बना सकते हैं। दोनों सूरत में बहुत टेस्टी लगती है ये। इसे हम प्लेट में लगा लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी प्लेटिंग की है। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या गर्म गर्म पराठे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। गोभी आप हमेशा खाते हैं तो कुछ अलग टेस्ट के साथ भी गोभी को बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। ये टेस्ट आपको सबको पसंद बहुत आएगा, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और आपको ये सब्जी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं।